हेलो दोस्तों, एक बार फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। और दोस्तों स्टॉक की प्राइस में ऑल टाइम जो इसका हाई था रफली 600 रुपए के क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिला था। हालांकि वहां से इस स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरावट शुरू किया, जिसके वजह से दोस्तों इसका प्राइस में 220 रुपए के आसपास में आते हुए देखने को मिला। हालांकि वहां पर भी हमने वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों, फ्यूचर इसका ब्राइट है, इंटायर केमिकल सेक्टर में गिरावट है, जिसके वजह से इस स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरावट शुरू किया। हालांकि फिर से इसमें अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से पिछले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे 5% से अबव का इस स्टॉक ने रैली शुरू किया। हालांकि अगले 2 से 3 साल में इसका प्राइस यहाँ से हमें काफी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रख सकते हो। तो चलिए इस स्टॉक से सारा इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो पिछले 1 मंथ में इस स्टॉक में ओनली 5% के आसपास का रैली का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले 6 मंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे 8% के आसपास का ओनली मुनाफा का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों पिछले 1 साल की बात करेंगे तो 11% के आसपास का गिरावट का फिगर है। और दोस्तों पिछले 5 ईयर में यहाँ पे ओनली 51% के आसपास का मुनाफा का फिगर में देखने मिल रहा है। और दोस्तों यही जो फिगर है इसका ऑल टाइम का है। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों स्टॉक 2021 में लिस्टेड होते हुए देखने मिल रहा है, और दोस्तों वहां से इसका प्राइस काफी शानदार तरीके से आगे गया। और दोस्तों यहाँ से इस स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग गिरावट अभी तक शो किया है। हालांकि यहां से फिर से हमें रिकवरी का फिगर थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगले 3 से 4 साल में इसका प्राइस में 1500 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं डिस्कस करूँ आप लोगों से लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे इसका ईयरली रेवेन्यू का फिगर, तो यहाँ पे एवरी ईयर का रेवेन्यू का फिगर भी अपने आप में अच्छा खासा फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले साल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इस साल में हमें गिरावट का फिगर देखने को मिला, जो कि कोई खास है ही नहीं। और दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे जिस तरीके से हमें रेवेन्यू का फिगर देखने को मिला, ठीक वैसा ही हमें नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा सा हमें पिछले साल के अकॉर्डिंग यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि ये भी फिगर अपने आप में अच्छा खासा है। और दोस्तों यहाँ से इसका प्राइस डेफिनेटली हमें अगले 3 से 4 साल में इसका प्राइस यहाँ से काफी आगे जाती हुई हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो इसका टेक्निकल चार्ट भी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। हमें 1 डे का चार्ट पैटर्न यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है दोस्तों, और यहाँ से इस स्टॉक में अच्छा खासा सपोर्ट लिया है मार्केट ने, और यहाँ से फिर से हमें रैली शो करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था यहाँ पे था, यहाँ से इस स्टॉक ने रफली 2 से 3 बार सपोर्ट लेके आगे जाते हुए देखने को मिला। यहाँ पे भी इसी के राउंड में सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से काफी शानदार तरीके से रैली शो किया, और डेफिनेटली दोस्तों इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला, और फिर से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिला। लेकिन दोस्तों यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें गिरावट देखने को मिला। हालांकि जो इसका सपोर्ट था यहाँ से फिर से इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया और यहाँ से अच्छा खासा रैली शो किया। और दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 350 रुपए के आसपास में देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ से इस स्टॉक में अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिलता है तो। यहाँ पे दोस्तों इसका वीकली चार्ट पैटर्न है, वीकली चार्ट पैटर्न की बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखे तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट के ऊपर फिलहाल इसका प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, और दोस्तों यहाँ से भी हमें काफी आगे जाते हुए इसका प्राइस देखने को मिल सकता है। अगर इसका प्राइस फिलहाल हमें 300 रुपए क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिलता है तो इसका प्राइस रफली 350 के आसपास में हमें देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रख सकते हो। इसका वीकली चार्ट पैटर्न भी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे 7700 करोड़ से अबव का फिगर है, जो कि हम बात करेंगे इसका 52 के हाई का। स्टॉक प्राइस 321 रुपए का हाई का हमें फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि लो की बात करेंगे 52 यहाँ पे 220 रुपए का लो का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों स्टॉक प्रीशू की बात करेंगे तो यहाँ पे 77 का है, जो कि इंडस्ट्री का प्रीशू की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हो ओनली 30 के आसपास का फिगर है, यानी कि जो इसका प्राइस है इंडस्ट्री के प्रीशू से इस स्टॉक का प्रीशू काफी हाई है, यानी कि ओवर वैल्यूड फिलहाल इसका प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों रिटर्न इक्विटी की बात करेंगे तो यहाँ पे ओनली 9 का फिगर है, जो कि रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर यहाँ पे 11 से अबव का है। हालांकि दोस्तों जो इसका फेस वैल्यू है यहाँ पे हमें 2 रुपए का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इस स्टॉक में यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे 72 से अबव का फिगर है, जो कि दोस्तों इस स्टॉक में कोई प्रमोटर का सिर्फ प्लेस है नहीं। हालांकि दोस्तों हम बात करेंगे ईपीएस के रिगार्डिंग, तो ईपीएस का फिगर भी उतना अच्छा है नहीं।
और दोस्तों डेप टू इक्विटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 0.11 का फिगर है, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी में डेप फ्री देखने को मिल रहा है, कोई खास डेप्ट है नहीं। और दोस्तों फ्री कैश फ्लो यहाँ पे 277 करोड़ का नेगेटिव फिगर है, हालांकि जो इसका पीई रेशियो है ये भी काफी हाई है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे इसका क्वार्टरली सेल्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो सितंबर क्वार्टर का सेल्स का फिगर में रफली अच्छा खासा देखने को मिला, हालांकि जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग सितंबर क्वार्टर के सेल्स में स्ट्रॉन्ग गिरावट हमें देखने को मिला है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे भी सितंबर क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफी स्ट्रॉन्ग हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि सेल्स में गिरावट था। और दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी स्ट्रॉन्ग गिरावट हमें देखने को मिला, हालांकि दोस्तों यहाँ पे इसका ईयरली सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ईयरली सेल्स का फिगर रफली अच्छा खासा है। अगर देखा जाए पिछले साल के अकॉर्डिंग तो इस साल में थोड़ा सा गिरावट हमें देखने मिला सेल्स में, जो कि कोई खास है ही नहीं। हालांकि इस साल के अभी तक का सेल्स का फिगर भी अपने आप में अच्छा खासा है। और दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये भी फिगर अपने आप में स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने मिल रहा है। पिछले साल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट है, हालांकि ये भी फिगर अपने आप में अच्छा खासा है। और दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल में हमें गिरावट देखने को मिला। और दोस्तों रिजर्व की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो रिजर्व का फिगर भी अपने आप में अच्छा खासा फिगर में देखने को मिल रहा है। अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल रिजर्व में जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में फिगर में देखने को मिला है। और दोस्तों इस साल के अभी तक का फिगर भी काफी अच्छा खासा है। और दोस्तों ब्रुइंस की बात करेंगे तो कोई खास डेप्ट का फिगर है नहीं। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो फिक्स एसेट की बात करेंगे तो फिक्स एसेट का फिगर भी यहाँ पे एवरी ईयर कंपनी अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ में फिगर शो किया है। और दोस्तों यहाँ पे पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल फिक्स एसेट का फिगर भी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिला। और दोस्तों इस साल का अभी तक का फिगर भी अपने आप में अच्छा खासा है। और दोस्तों शेयर होल्डर प्लान की बात करेंगे तो यहाँ पे भी दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग 72% से एबव का है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा खासा है। हालांकि एफआई की होल्डिंग कोई खास है नहीं और दोस्तों डीआई की होल्डिंग भी कोई खास है नहीं, लेकिन दोस्तों रिटेल का होल्डिंग यहाँ पे जबरदस्त है। तो यहाँ पे दोस्तों एफआई एंड डीआई की होल्डिंग में थोड़ा सा मिसिंग है, कोई खास होल्डिंग है नहीं। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे अगर यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें गिरावट का फिगर देखने को मिलता है तो इसका प्राइस 245 के आसपास में आते हुए देखने को मिलेगा, अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस 350 से क्रॉस करके रफली 400 के आसपास में हमें देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस स्टॉक ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। दोस्तों मित्र वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।